पहलवान सरकार को अल्टीमेटम देने को क्यों हुए मजबूर? कैसे ब्रजभूषण ने बनाई पहलवानों की जिंदगी नर्क? जाने बीजेपी सांसद के बुरे बर्ताव की पूरी कहानी। कुश्ती अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों की जिंदगी बना दी थी नर्क। अब जब उन पर यौन शोषण का आरोप लगा तो लोग कह रहे हैं पहलवान सिंह से बदला ले रहे हैं। पहलवानों को मिलने वाली सुविधाओं को सिंह ने कर दिया समेत। प्राइवेट स्पॉन्सरशिप पर लगाई रोक। खिलाड़ियों की मनपसंद विदेशी कोच और विदेशों में ट्रेनिंग भी करवा दी बंद। टोक्यो गेम्स के बाद पहलवान एक भी विदेशी दौरे पर नहीं गए। विदेशी कोच को भी हटा दिया। आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर क्या आरोप लगे हैं तो एक धड़ा यह कह रहा है कि पहलवानों ने जानबूझकर यह आरोप संघ के अध्यक्ष पर लगाए हैं ताकि वह सिंह को सबक सिखा सके, पर हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते। क्या है पूरा मामला, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मामला क्या है? देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 24 अप्रैल से पहलवानों का धरना चल रहा है। 7 महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए। पीड़ित पहलवानों में एक नाबालिग भी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही FIR संभव हो पाया, लेकिन पहलवान अब तक जंतर मंतर से नहीं गए हैं। उनका कहना है जब तक सिंह पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वह वहां से नहीं हटेंगे। कुछ लोगों द्वारा पहलवानों को अपमानित भी किया जा रहा है, वह इसे एक विशेष वर्ग का आंदोलन बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि कुश्ती अध्यक्ष सिंह ने पहलवानों की कुछ सुविधाएं घटा दी जिसके कारण पहलवान ऐसा कर रहे हैं। वह कुश्ती संघ अध्यक्ष को सबक सिखाना चाह रहे हैं, पर हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। सिंह ने पहलवानों की कौन कौन सी सुविधाएं करा दी बंद? सिंह ने पहलवानों को मनपसंद विदेशी कोच चुनना, फीजी और विदेशों में ट्रेनिंग आदि की सुविधाएं बंद करवा दी। यहां तक टोक्यो गेम्स के बाद भारतीय पहलवान एक विदेशी दौरे पर नहीं गए, जबकि इसके बाद भी कई अंतर्राष्ट्रीय गेम्स हुए। टोक्यो गेम्स के बाद से ही जो विदेशी कोच थे उनको हटा दिया गया। खिलाड़ियों का ये भी आरोप है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए विदेश जाना हो तो अंतिम समय तक टिकट और वीजा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी खिलाड़ियों को नहीं दी जाती। साथ ही WFI ने 150 पहलवानों को BCCI की तर्ज पर 2018 में जो कॉन्ट्रैक्ट बांटे थे उनका भी सिंह ने सम्मान नहीं किया। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ए ग्रेड के पहलवानों को जिनमें बजरंग और विनेश शामिल हैं 30 लाख रुपए सालाना मिलने थे, लेकिन कुश्ती महासंघ ने 2-3 त्रैमासिक किस्तों के बाद ये पैसा देना भी बंद कर दिया था। WFI ने उसी वर्ष टाटा मोटर्स जैसे बड़े कॉर्पोरेट को कुश्ती का नेशनल स्पॉन्सर बनाया था। जाहिर था खेल में पैसा आने वाला था, पर सिंह ने कॉर्पोरेट के स्पॉन्सरशिप पर ही रोक लगा दी। अब खिलाड़ियों को ना तो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप से पैसे मिल रहे हैं और ना ही WFI उन्हें अनुबंध के पैसे दे रहा है। ट्रेनिंग एरिया का भी सिंह ने बुरा हाल बना रखा है। ट्रेनिंग एरिया के नाम पर केवल एक टेंटनुमा जगह पर मैट डलवा दिए जाते हैं। हाल ही में एक चैंपियनशिप में बारिश होने पर इतना इंतजाम नहीं था कि खिलाड़ी साफ जगह पर बैठ सकें, चारों तरफ कीचड़ बिखरा था। पिछले साल दिसंबर में ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक जूनियर पहलवान को सबके सामने थप्पड़ भी मार दिया था।